सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज अपन प्रश्नावली 3.2, ठीक है, जिसके अंदर है प्रश्न क्रमांक एक और प्रश्न क्रमांक दो, जिसको अपन पूर्व के अंदर हल कर चुके हैं। अब अपन प्रश्न क्रमांक तीन, ठीक है, इसको हल करेंगे। छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। छाया ने कितनी कॉपियाँ खरीदी? 20, ठीक है। 20 कॉपियों का मूल्य कितना है? 360 रुपये। तो एक कॉपी का मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब अपने को क्या करना है? भाग देना है। किसका भाग देंगे? 360 भाग कितने के देंगे? 20 का, ठीक है। 20 का भाग देंगे 360 के अंदर, तो अपने को एक कॉपी का मूल्य प्राप्त होगा। 20 का भाग देंगे कितनी बार? एक बार, ठीक है। 20 एकम 20। अब 6 में से 0 को घटाएंगे, 6 के 6, ठीक है। 3 में से 2 को घटाएंगे, पीछे रहा एक। अगला अंक क्या है? शून्य, शून्य को लगाएंगे, कितने हो गए? 160। अब 20 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार बोलेंगे, ठीक है। तो कितनी प्राप्त हुए? 8। 20 आटे 160, 160 में से 160 को घटाएंगे तो पीछे बचा शून्य। तो एक कॉपी का मूल्य कितना प्राप्त हुआ है? 18 रुपये। कितने रुपये प्राप्त हुए हैं? 18 रुपये, ठीक है। तो इस प्रश्न के अंदर चार चीज़ अपन ने मालूम की है। एक तो है भाज्य, ठीक है। भाज्य कितने हैं इसमें के अंदर? 360। कितने हैं? 360। दूसरा है भाजक, ठीक है। भाजक कितने हैं इसके अंदर? 20 है, ठीक है। उसके बाद है भागफल, जो अपन ने 360 के अंदर 20 का भाग दिया तब संख्या प्राप्त हुई है। कितने प्राप्त हुए हैं? 18। कितने प्राप्त हुए? 18। उसके बाद में चौथा है शेषफल। क्या प्राप्त करेंगे अपन? शेषफल। शेषफल कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया? 18 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चार, धीरज के पास 864 केले हैं। केले कितने हैं? 864। कितने हैं? 864। बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं, ठीक है। कितने दर्जन केले हैं? एक दर्जन के अंदर कितनी वस्तुएं आती है? 12 वस्तुएं आती है, ठीक है। कोई भी दर्जन हो उसके अंदर वस्तुएं कितनी आती है? 12। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? 864 के अंदर 12 का भाग देंगे, ठीक है। 864 भाग 12, ठीक है। क्योंकि 864 क्या है? भाज्य, और 12 क्या है? भाजक है। इसका भाग देंगे 86 के अंदर 12 का, तो 12 7 84, ठीक है। कितनी बार गया? 7 बार, 7 लिखेंगे उधर। 86 में से 84 को अपन घटाएंगे, 6 में से 4 गए पीछे बचे 2, 8 में से 8 गया पीछे बचा शून्य। अगला अंक क्या है? 4 है, 4 यहाँ लिखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 में से 24 गए पीछे बचा शून्य, ठीक है। तो उसके पास कितने दर्जन केले होंगे? कितने दर्जन होंगे? 72। कितने दर्जन होंगे? दर्जन केले, तो कितने दर्जन केले होंगे? 72 दर्जन केले होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने चार चीज़ वही भाज्य, ठीक है। भाज्य कितने हैं? 864, ठीक है। भाजक कौन है? भाजक, भाजक है इसके अंदर 12, ठीक है। भागफल, अपन ने भाग दिया है तो कितनी संख्या प्राप्त हुई है? 72। और शेषफल, ठीक है, शेषफल इसमें क्या प्राप्त है? कुछ नहीं है, शून्य है, ठीक है। इस प्रकार से अपन आगे भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए
एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। 27 बस के अंदर कितने व्यक्ति बैठते हैं, 702, ठीक है। बस कितनी है, 27, ठीक है। तो इसमें भाज्य कौन है, 702, ठीक है। भाज्य कौन है, 27 है, ठीक है। भागफल और शेषफल, ठीक है। 27 का भाग देंगे 702 के अंदर, तो 27 दुणे 54, ठीक है। 54 इसमें से घटाएंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे, पीछे रहा 6, एक इसको उधार दे दिया 6, 6 में से 5 को घटाएंगे, पीछे बचा 116। अगला अंक क्या है, 2 कितने हो गए, 162, ठीक है। 27 दुनी 54। अब 27 का पाड़ा अपन 6 बार बोलेंगे, 27 छक्के 162, ठीक है। 27 छक्के 162, ठीक है। 162 में से 162 गया, पीछे बचा 0। तो शेषफल क्या है, कुछ नहीं है, 0। और भागफल कौन है, 26, और शेषफल है 00। तो इस प्रकार से 27 बसों में कितने व्यक्ति बैठेंगे, एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 26, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, एक बस में 26 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, कोकार के पास 400 रुपए है, यदि एक मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपए है, बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो ओकार के पास में रुपए कितने हैं, 400, तो भाज्य क्या है, 400, भाजक क्या है, ठीक है, 30 रुपए। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, भागफल और शेषफल, ठीक है। 400 के अंदर किसका भाग देंगे, 30 का, 30 से कम 30, 40 में से 30 गए, पीछे बचे 10, 0, ठीक है। 3 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार, 30 दिया 90, पीछे कितने बचे 10, तो शेषफल कितने हैं, 10, भागफल कितने हैं, 13, ठीक है। तो पूछा है कि बताइए वे कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है, तो कितने मीटर खरीद सकता है, 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है, 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है। और कितने रुपए शेष बचेंगे, ठीक है, रुपए शेष बचेंगे, रुपए शेष बचे, कितने बचे, 10 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला में कितने फूल है, 24 फूल भी होते हैं, ठीक है। फूलों से कितने फूल है, 648, ठीक है। कितनी माला, एक माला में कितने फूल पिरा सकते हैं, 24, ठीक है। तो कितनी मालाएं इससे बन सकती है, तो इसमें भाज्य क्या है, 648, भाजक क्या है, 24, ठीक है। भागफल और शेषफल अभी अपन प्राप्त करेंगे, तो 24 का भाग देंगे 648 के अंदर, ठीक है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। 14 में से 8 को घटाएंगे, पीछे कितने बचे, 14 में से 8 गए, ठीक है, पीछे बचे 6, एक उसको उधार दे दिया, पीछे कितने बचे, 5, 5 में से 4 गए, पीछे बचा 1। अगला अंक क्या है, 8 है, कितने हो गए, 168, ठीक है। अब 24 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे, 24 साते 168, ठीक है। 168 में से 168 जाएंगे, पीछे कुछ नहीं बचा, तो शेषफल क्या है, कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। भागफल कितने आ गए, 27 आ गया, 27, ठीक है। तो इस प्रकार से 648 फूलों से, ठीक है, 27 मालाएं बनाई जा सकती है, कितनी माला बनाई जा सकती है, 27 माला बनाई जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे, याद कीजिए, ठीक है। तो एक वर्ष में महीने कितने होते हैं,
बारह महीने कितने होते हैं? 12 महीने, तो अपने को 936 महीनों के वर्ष बनाने हैं, तो 936 के अंदर अपन क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। तो इसमें भाज्य कौन है? 936, भाजक कौन है? 12, ठीक है। भागफल कौन है अभी ज्ञात करेंगे, और शेषफल अभी ज्ञात करेंगे। तो 12 का पाड़ा अपन कितनी बार बोलेंगे? 12 × 7 = 84, ठीक है। अब 93 में से 94 को घटाएंगे, 3 में से 4 नहीं जा रहा, 1 उससे उधार लिया, 13, 13 में से 4 गए, पीछे बचे 9, यहाँ 9 थे, 1 उसको उधार दिया 8, 8 में से 8 गया, पीछे बचा 0। अगला अंक क्या है? 6, 96, ठीक है। तो 12 का पाड़ा अपन 8 बार बोलेंगे, 12 × 8 = 96, कितने आ गए? 78, 96 में से 96 गए, पीछे बचा 0। तो भागफल कितने आ गए? 78, 78। शेषफल क्या है? कुछ नहीं है। तो 936 महीनों के लिखेंगे अपन, 936 महीनों के वर्ष होंगे, कितने वर्ष होंगे? 78 वर्ष, कितने? 78 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल कर सकेंगे।